YouTube चैनल आगाज में मैं हूं आपकी मेजबान साइमा मंसूर। प्रोफेसर डॉक्टर ताहा नजीर की जॉर्जियन रेवोल्यूशनरी और सोवियत पॉलिटिकल लीडर जोसेफ स्टालिन पर लिखी हुई बायोग्राफी हम आज आपसे शेयर करेंगे। तो आइए आगाज करते हैं अपनी आज की इस वीडियो का और जानते हैं जोसेफ स्टालिन के बारे में। गुलाम खानदान से ताल्लुक रखने वाला गरीब मोची बाप और काम करने वाली माँ का बेटा, जो दुनिया की अजीम रूसी सल्तनत USSR का वजीर आजम और अपनी कौम का रहनुमा बन गया। जोसेफ स्टालिन कभी भी हमारे लिए काबिल एहतराम नहीं रहा, जिसने लाखों इंसानों का खून किया, एक तबाहकुन और इंसानियत दुश्मन निज़ाम की परवरिश की और इसके अमली नफाज की पुरतशद्दद जद्दोजहद में शामिल रहा। जुल्म व सितम के इस तूफान के सामने जो भी आया फना के घाट उतार दिया गया, वो पूरी एक नस्ल पर दुनिया की सबसे बड़ी और अजीम सल्तनत पर बिला शिरकत गैर हुक्मरान था। पूरी इंसानियत को अरसा दराज तक न्यूक्लियाई और एटमी जंग के होलनाक खौफ में मुबतला रखा। सर जंग के नाम से सारी दुनिया को तवील अरसे तक नफसियाती और असाबी खौफ में जकड़े रखा और खुद सेल्फ प्रोटेक्शन के ऐसे एहसास में मुबतला रखा कि खरबहा डॉलर जंगी तैयारियों और असला साजी पर उठ गए। जो सरमाया इंसानी फलाह तरक्की और तालीम सेहत पर खर्च होना था, एक बेकार मकसद के लिए सर्फ हो गया। उसने अपने 25 साल दौरे इक्तदार में तकरीबन 3 करोड़ इंसानों का कत्ल किया, लाखों लोगों को पसे जिंदा डाल दिया गया या फिर फाके देकर हलाक कर दिया। ऐसे शख्स के इस तर्ज अमल और किरदार के बावजूद हमारे सफात में जगह पाना यकीनन आपके लिए अजीब होगा, क्योंकि जालिम सफाक और इंसानियत दुश्मन शख्स से यकीनन सलीमुल फितरत लोग नफरत करते हैं और करनी चाहिए। लेकिन वो जैसा और जो भी था, हमें तस्लीम करना पड़ेगा कि स्टालिन एक गरीब और गुलाम खानदान में परवरिश पाने वाला बेकस नौजवान था, जो ज़िंदगी के बुनियादी वसाइल तक से महरूम और कम दर्जे की समाजी हैसियत का हामिल था, मगर अपनी अय्याराना सोच, आला जहानत और मेहनत और जाफिशानी से तारीख इंसानी में अपना एक नाम और मुकाम नक्श कर गया है। वो यकीनन एक तवील अरसे तक इंसानी असहान से महब नहीं हो सकेगा, और कराइन कहते हैं कि वो तवील अरसे तक अपने मुतफरक शख्सी और इज्तमाही असरात के साथ बिलवास्ता या बिलावास्ता मौजूद सुखन रहेगा। जोसेफ स्टालिन का असल नाम आयोसेफ विसारियोनोविच था। 1879 में रूसी सूबा जॉर्जिया के कस्बा गोरी में पैदा हुआ, जो उस सूबे के दारुल हुकूमत तिफ्लिस के करीब वाक़े है। उसकी मादरी जबान जॉर्जियन थी, बाद में उसने रशियन भी सीख ली थी, जिसे वो जॉर्जियन लहजे में बोलता था। स्टालिन के बाप का नाम विसारियन जोसोल्जी था, जो गुलाम खानदान से ताल्लुक रखता था और पेशे के एतबार से मोची था। वो तबीयत का सख्त और दुरुस्त था। स्टालिन को मारता पीटता रहता था और कसरत से शराब नोशी भी करता था। जब स्टालिन 11 साल का हुआ तो उसका बाप कसरत महनोशी से चल बसा, जिसके बाद उसकी मां कैटोइन गैलेट्स ने उसकी परवरिश और तरबियत की, जो लोगों के घरों में काम करके उसके अखराजात पूरे करती। वो स्टालिन को पादरी बनाने की ख्वाहां थी, इसीलिए स्टालिन ने इब्तदाई तालीम एक कलीसाई मदरसे से हासिल की। स्टालिन के और भी 3 भाई थे, जो इब्तदाई उम्र में ही फोत हो गए थे, मगर ये अपने आहनी और तवाना वजूद के बाइस सलामत रहा। इसे बचपन में चीचक हुई थी, जिसके निशान इसके वजूद पर थे। फिर जवानी में स्टालिन एक अलहियाती उलूम के मदरसे में दाखिल हो गया, जहां से वो अपने मुजर्रब ख्यालात और ममनुआ कुतब के मुताले की वजह से खारिज कर दिया गया। मदरसे से इखराज के बाद स्टालिन खुफिया तौर पर मार्क्सी तहरीक में शामिल हो गया। 1907 तक वो फाल कारकुन के तौर पर काम करता रहा। इस दौरान कुछ अरसा वो तिफ्लिस के मुशाहिदाती इदारे में क्लर्क भर्ती हो गया। 1908 में उसे हकूमत मुखालिफ नजरियात और सरगर्मियों के बाइस कैद कर दिया गया। 1912 और 13 में वो लेनिन के साथ जिला वतन रहा। इसी दौर में उसकी सख्त मिजाजी और जिस्मानी मजबूती को देखते हुए लेनिन ने उसे स्टालिन यानी आहनी इंसान का खिताब दिया था, और बाद के दौर में वो इसी नाम से मारूफ हो गया। मार्क्सी तहरीक के इस पुरशोरिश दौर में वो जिंदगी के कई उतार चढ़ाव से दो चार रहा। 6 बार गिरफ्तार हुआ और थोड़ी बहुत सजा के बाद रिहा कर दिया जाता था। कई बार वो फरार होने में भी कामयाब होता रहा। इसीलिए इसके हवाले से ये भी कहा जाता है कि वो मुखालिफ धड़े का भी एजेंट था, वरना यकीनन पहली ही गिरफ्तारी के बाद उसके हजारों साथियों की तरह उसकी भी दूसरी गिरफ्तारी की नौबत ना आती। उसका 1917 के इनकलाब में भी कोई नुमाया अमली किरदार ना था, मगर रफ्ता रफ्ता अपनी इंतजामी सलाहियतों और जहानत के बाइस वो 1922 में कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बन गया। मगर लेनिन तब तक उसकी सख्त मिजाजी से खाइफ था। वो ट्रॉट्स्की को अपना जानशीन बनाने का ख्वाहिशमंद था, जिसका उसने अपनी वसीयत में भी जिक्र किया था, मगर स्टालिन उसे किसी तरह से दबाने में कामयाब हो गया। उसने 2 दीगर मजबूत कम्युनिस्ट रहनुमा ज़ियोनफ और कम्युनिफ को मिलाकर मजबूत मुसलस बनाई और इक्तदार की तरफ पेशकदमी शुरू की। 1930 में वो मतलुकुल अनान हुक्मरान बन गया। उसने ज़ियोनफ और कम्युनिफ को ठिकाने लगाने के बाद 1934 में माजेरियों का एक सिलसिला शुरू किया। इनकलाब के सरकर्दा रहनुमाओं और अपने हम असर काबिल जिक्र शख्सियात को रस्ते के कांटों की तरह चुन चुन कर अलग कर दिया गया या हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। हत्ता कि अपने इस इकदाम के जवाब के लिए उसने अपने एक वजीर सरगाई क्रोफ को भी खुफिया कत्ल कराने में कोई आर महसूस न
सामना किया। 1939 में उसने हिटलर से अदम जहरियत का मुआहदा करने के चंद ही दिनों बाद पोलैंड पर हमला करके अपने तयशुदा इलाके पर कब्जा कर लिया। फिर लिटोविया, इस्टोनिया, लिथुनिया, रोमानिया और फिनलैंड पर यके बाद दीगर कब्जा कर लिया, जिसके लिए नाजी हमलों के खदशात का बोंगा जवाज भी घर लिया गया था। हिटलर की शिकस्त और मुकम्मल जंगबंदी के बाद उसने इन इलाकों को आज़ाद ना किया। यूगोस्लाविया के हुक्मरान ने सियासी दूरंदेशी से इश्तराकी निज़ाम हुकूमत का ऐलान करके स्टालिन के जवाज को बेवजन और गैर अहम करके अपने मुल्क को बचा लिया। स्टालिन ने 1904 में एक जॉर्जियन लड़की कैथरीन से शादी की, जो सख्त मजहबी और लतीफ एहसासात की हामिल थी, जिससे उसका बेटा जैकब पैदा हुआ और जर्मनी के साथ एक जंग में ही कत्ल हो गया। नाजियों ने उसे जंगी कैदियों के तबादले के लिए इस्तेमाल करना चाहा, पर स्टालिन ने इनकार कर दिया। बिलाखिर वो कैदी में हलाक हो गया। कैथरीन की हमनशीनी से स्टालिन खुद एतराफ़ करता था कि वो जिंदगी में पहली और आखिरी बार इंसानी मोहब्बत के लतीफ जज्बात से रोशनास हुआ, जो 1907 में उसकी मौत के साथ ही ख़त्म हो गए। 1919 में उसने दोबारा शादी की, जिसने 1932 में खुदकुशी कर ली, और उसकी इस दूसरी बीवी के हवाले से जान खुलासे के लिए कत्ल करने का भी कहा जाता है। स्टालिन का दूसरा बेटा रूसी फजाइया में अफसर था, जो अपने दादा की पैरवी करते हुए कसरत मैनोशी से हलाक हो गया। उसकी बेटी स्वेतलाना अमरीका फरार हो गई और वहाँ सियासी पनाह हासिल कर ली। इससे इस सफाक शख्स के मजालिम का अंदाज़ा किया जा सकता है कि दुनिया के सबसे बड़ी सल्तनत के मतलुकुल अनान हुक्मरान की बेटी अपनी तमाम तर सियासी और समाजी शान शौकत को छोड़कर एक मामूली से अमरीकी बाशिंदे के म्यारे जिंदगी को बेहतर तसव्वुर करती है। इस सूरत हाल में ऐसे मुल्क के आम बाशिंदों की हालत इजार के तो फिर क्या ही कहने होंगे। 5 मार्च 1952 को 73 साल की उम्र में जोसेफ स्टालिन मॉस्को क्रेमलिन में दिमाग की नस फटने से मर गया। उसकी लाश को महफूज कर लिया गया और उसे रेड स्क्वायर के अजायब घर में अवामी नुमाइश के लिए रख दिया गया। मगर वक्त गुजरने के साथ जब लोग कदरे आज़ाद हुए तो उसकी मकबूलियत, जो कि पहले ही कुछ ज्यादा ना थी, उसमें नुमाया जवाल आ गया और लोगों का फितरी रद्द अमल सामने आने लगा। 1961 में उसे अजायब घर से सारे एजाजात से महरूम करके दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया। जोसेफ स्टालिन पर लिखी गई ये बायोग्राफी यहीं इख्तिताम पजीर होती है। अपनी आइंदा वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।